अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल बैठी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। नाज़रीन, अवामी राय प्रोग्राम के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी सी टी वी न्यूज़ की टीम के साथ लाइव स्कॉलर्स इन स्कूल में। और बड़ा ही ज़बरदस्त ये स्कूल है, निशात कॉलोनी में ये वाक़ है। और आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं मैडम आसमा मुनव्वर, इनका नाम है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा स्पेशली हमारे प्रोग्राम को, अवामी राय को आपने बेइंतहा पसंद किया फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और खास तौर पे यूट्यूब पे। इसी तरह आप अपना फीडबैक मुझे देते जाए और मैं आपको अवामी राय में नए से नए गेस्ट के साथ मिलवाऊंगा, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलवाऊंगा, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलवाऊंगा और उन शख्सियात से जो किसी भी शोबे है जहाँ से अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं। सो आज वंस अगेन हमारी जो स्पेशल गेस्ट है मैडम आसमा मुनव्वर हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अवामी राय में ये गवर्नमेंट को अपनी क्या राय देंगी जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ सके। सो मेरे साथ रहिएगा, आज की स्पेशल गेस्ट मैडम आसमा मुनव्वर से बातचीत करते हैं। ये प्रिंसिपल हैं स्कॉलर्स इन स्कूल एंड एकेडमी की। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस दुआएं जी। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अवामी राय के, आप स्पेशल गेस्ट हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा जी अवामी राय, उसकी आप गेस्ट। अच्छा, कैसा लगा सी टी वी न्यूज की टीम आज आपके पास मौजूद है? अच्छा लगा, गुड है कि इससे मैं ये कि अपना मैसेज जो है वो मतलब कि हर किसी को इजीली पहुंचा सकती हूँ, मतलब कि ऐसे जो कि गवर्नमेंट को अगर हम लोग डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते तो बाय द मीडिया हम लोग पहुंचा सकते हैं। ठीक जी मैम, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा, मीडिया के बारे में आपने बताना है, पाकिस्तान में जो मीडिया है अपना रोल कैसा अदा कर रहा है, किस नज़र से आप देखती हैं? मैं तो वैसे टीवी पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर जितना भी मुझे टाइम मिलता है जो भी इश्यूज आते हैं मीडिया पर तो उसमें यह है कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, जैसे कि हर किसी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर दो इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो ये दोनों पे सही काम कर रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज से थोड़ा सा पीछे चले जाए तो जब पीटीवी का दौर था तो रात 9 बजे खबरनामा होता था, पूरे दिन का पता नहीं था, आज में और उस वक्त में क्या फर्क महसूस करती हैं? उसमें ये है कि एक खबर के लिए बहुत देर तक कई घंटों इंतजार करना पड़ता था, अब तो मतलब कि जैसे ही कोई भी हैपन होता है तो फौरन ही हम लोग मतलब कि देख लेते हैं कि किस जगह पर क्या हो रहा है, कितना सच और कितना झूठ है। ठीक है मैम, वंस अगेन एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं, आज के आप स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे व्यूवर्स जो हैं सी टी वी न्यूज़ के पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, स्पेशली हमारे जो सी टी वी न्यूज़ के व्यूवर्स हैं दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, मैं चाहूँगा हाथ ही लाके सर उनको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बातों का सिलसिला नाज़रीन जारी रखेंगे तो अभी मैडम हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कितने अरसे दराज से आप इस स्कूल को जो है वो रन कर रहे हैं और नाम भी बड़ा प्यारा स्कॉलर्स इन स्कूल एंड एकेडमी, कितने अरसे दराज से कर रहे हैं? मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, 4 साल से पहले जब मैंने मतलब कि स्पेशल बच्चों पे काम किया था, एक क्लास रहती थी मैं ड्राइंग क्लास स्पेशल बच्चों को चरखा फाउंडेशन में, तो वहाँ से मैंने रियलाइज किया कि मेरे एरिया के जो लोग हैं उनको मतलब एक स्पेशल एजुकेशन चाहिए, स्पेशल एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेशल बच्चों के पे हो, फिर मैंने यहाँ पे मोंटेसरी से स्टार्ट लिया और अब मैं इंटरमीडिएट तक करवा रही हूं। अच्छा, 4 इयर्स हो गए यहां पर, 4 साल और इंटरमीडिएट तक ये है यहां पर निशात में। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी ब्रांचेस हैं आपके? नहीं, अभी तक मेरी 2 हैं, एक ये मोंटेसरी है और एक सीनियर ब्रांच है जो हमारी 1 टू ग्रेड अप टू इंटरमीडिएट है। अच्छा, एकेडमी भी है ये शाम के? भी शाम के, ठीक है। अच्छा मैम, अभी चूंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है अवामी राय, तो आपकी राय भी हमारे लिए बड़ी कीमती है, अभी एक राय आपने इमरान खान साहब को देनी है, हमारी मौजूदा हुकूमत को देनी है, जिससे आप समझती हैं कि मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए, तो क्या राय देंगी आप? मैं ये राय दूंगी कि एक तो हमारी जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, या तो उर्दू मतलब के मीडियम होना चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इन दोनों में बच्चे मतलब के बड़ा कॉम्प्लेक्स में हैं, ना तो उनकी उर्दू में कोई प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी है ना ही इंग्लिश में है, और दूसरा ये कि डिग्री की बेस को या रट्टा सिस्टम को, रीडिंग और राइटिंग, जस्ट डिग्री और ग्रेड्स, और इस पे इसके अलावा जो है बच्चों को एथिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए हर स्कूल्स के अंदर, और ब्रांड्स मतलब ये जो सिलेबस के हैं वो ख़त्म होने चाहिए, या तो सारा पीटीआई सॉरी पंजाब टेक्स्ट बुक कर दिया जाए या किसी एक मतलब के टेक्स्ट बुक को किसी भी ब्रांड के साथ लिंक कर दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी सेक्टर के जो स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, तो वो वही करा रहे हैं। बस आपने अपने कीमती वक्त दिया, जाते जाते मीठे से कमेंट्स हो जाए सी टी वी न्यूज़ के बारे में, कैसा लगा सी टी वी न्यूज़ की टीम आज आपके ऑफिस में आई? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक यू करती हूँ आपका भी और ये सी टी वी का भी, और आका जी के गुलाम हूँ मैं, एंड में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलूँगी कि सब पढ़ें, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, ये थी हमारी अवामी राय की स्पेशल गेस्ट मैडम आसमा मुनव्वर, इनका नाम था, और मैं अपनी सी टी वी न्यूज़ की टीम के साथ मौजूद हूँ स्कॉलर्स इन स्कूल एंड एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ मैडम आसमा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें और खासतौर पर इनकी ओपिनियन जो उन्होंने गवर्नमेंट को दी आपको बेहद पसंद आई होंगी। कमेंट बॉक्स में
लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आज का इंटरव्यू मैडम आसमा का आपको कैसा लगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन सुलह व सलामती को कायम करे। अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाजत दीजिएगा, वेरी सुन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा अवामी राय प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। और मैडम आसमा के साथ मिलकर नारा लगाएंगे पाकिस्तान। सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन।